कौन हो भाई मुंह पेंदा जैसे कि ये चले आ रहे हो? देख नहीं रहे, हमसे पूछ के आना चाहिए। अरे पहले नीचे तो आओ भाई, वहीं रुको, हम आते हैं अभी। हाँ बताओ क्या काम है? हम दुर्योधन हैं, हमें यह हवेली। अच्छा महाभारत के दुर्योधन? नहीं हमारा नाम दुर्योधन नहीं है। जाओ मालिक को बुलाओ, उनसे बात करनी है। हम तुम जैसे गंजे नौकरों से बात नहीं करते, ये हमारी शान के खिलाफ है, समझे? चलो दफा हो जाओ, जल्दी मालिक को बुलाओ। तुमने मालिक को कभी देखा है क्या? नहीं मालिक को तो नहीं देखा। बोल, मैं ही मालिक। तुम मालिक कैसे हो सकते हो? वो तो बोलने में हकलाते थे, मैंने उनसे फ़ोन में बात की थी और उन्होंने अपना नाम भी दैवी प्रसाद बताया था। झूठ मत बोल, मत बोलना मेरे। अबे मालिक ने अपनी हवेली मेरे नाम कर दी, समझा? ओह आई सी, तो असली मालिक कहाँ गए? असली मालिक को किसी देवी ने प्रसाद दे के बुला लिया। काम हो तो बताओ, तो बताओ नहीं तो मैं। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था मालिक आप जैसे। अब तो पता चल गया ना, बताओ कि... तो चलिए अब कुछ काम की बात कर ली जाए। तो अभी तक का है झक मारने की? अच्छा तो सर बताइए कितने में देंगे ये हवेली? कितने में आप ले सकते हैं ये मुझसे? ये कैसा प्रश्न है, कीमत बताइए आप इसकी। अच्छा तो सुनिए, जितनी की मुझे ज़रूरत है उसका 2 गुना दे दीजिए। अरे आपको कितने की ज़रूरत है बताइए ना, जितने की होने की चाहिए उसके आधी की ज़रूरत है मुझे। आपको कितने की ज़रूरत नहीं है मुझे कैसे पता चले? जितना मुझे मिलना चाहिए उसका 4 गुना आप दे दिए बस। अरे तो तुम्हें कितना मिल चुका है मुझे कैसे पता चलेगा? साफ साफ बताइए आपको कितना चाहिए, नहीं जाऊँ। आप मुझे बस 2.5 किलो सोना दे दीजिए बस। अरे 2.5 किलो सोना कहाँ से लाऊँ मैं, चोरी? वो सब मैं नहीं जानता, आप 2.5 किलो सोना दे दीजिए और ये आपकी हो जाएगी। सॉरी सर मैं नौकर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मालिक से बात करिएगा। धन्यवाद।